नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में भारत को समर्थ, सशक्त और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में देखने की इच्छा होगी। हर भारतीय देश को दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखने की इच्छा रखता है। सीएम योगी ने ये बातें शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने भाजपा महानगर इकाई के अध्यक्ष राजेश गुप्ता को गोरखनाथ मंदिर परिसर की मिट्टी अमृत कलश में भरकर सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है। पीएम मोदी ने नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सशक्त, समर्थ और शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उसी की श्रृंखला में विरासत के सम्मान वाले माटी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज गोरखपुर में महानगर संगठन की तरफ से किया जा रहा है। इसमें गोरखपुर की माटी को अमृत कलश के साथ जोड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के हर नगर निकाय व हर विकास खंड से अमृत कलश एकत्र होकर लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में जहां आज़ादी के अमृत कलश की स्थापना हुई है, उसी पवित्र स्थल पर एक अमृत कलश वाटिका स्थापित हो रही है, जहां प्रदेश भर से संग्रहित कलश रखे जाएंगे। अमृत कलश वाटिका में 825 विकास खंडों समेत करीब 1500 स्थलों से एकत्रित मिट्टी भर कलश रखे जाएंगे। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल भाजपा महानगर संगठन से, महामंत्री इंद्रमणि उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, देवेश श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, दयानंद शर्मा, देवेंद्रनाथ पांडे, मंत्री अजय श्रीवास्तव, अवधेश अग्रहरी, पार्षद पवन त्रिपाठी, रणंजय सिंह जुगनू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना, सत सुकृत सचिन गुप्ता आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। ये देश जब अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 2047 में उस समय कैसा भारत हो, स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज मेरा सौभाग्य है, गोरखपुर महानगर की टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर मुझे यहाँ पर गोरखपुर की माटी को इस अमृत कलश के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर के हर नगर निकाय से, हर विकास खंड से ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आज़ादी का
अमृत कलश की स्थापना हुई है। उस पवित्र कलश के स्तर पर ही स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहाँ पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, इसमें 825 विकास खंड हैं,